हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली फ्रेंड्स, पटवारी की भर्ती आ चुकी है, जो कि टोटल 301 पोस्ट है, जो कि 25 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया है। और व्यापम के साइट में आपको एक दो दिन में साइट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके भर्ती पे क्या क्या दिया गया है। तो आपके यहाँ पे 301 पोस्ट निकाला गया है, जो कि 24 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण हेतु 301 अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित जिले के ही पात्र में इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट में यह दिया गया है। और यहाँ पे जिलों के नाम हैं, आप देख सकते हैं, बलौदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बलौदा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, जो कि आपके 24 जिलों में यह भर्ती 301 पोस्ट जो कि निकाली गई है। तो अपना तैयारी सुनिश्चित रूप से करना स्टार्ट कर दीजिएगा और फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पटवारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आपका 12वीं लेवल, और इसके बाद कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसके बाद आपका टाइपिंग जो कि 500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से जो कि आप टाइपिंग होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, DCA PGDA से चल जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को वही स्वीकार किया जाएगा, परंतु अनुसूचित क्षेत्र के सकल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता जो कि होगी। जो ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये लागू होगी नियम, खास करके यहाँ पे वेतनमान जो कि मैट्रिक्स लेवल 6 वेतनमान होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आयु सीमा देखते हैं तो 1/1/2018 को 18 वर्ष से कम तथा चालू वर्ष 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि आपका एज 40 होना चाहिए, और अधिकतम आयु यहाँ पे 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आपका 45 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नियम और शर्तें देखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे नियम और शर्तें देख सकते हैं, यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस जिले के निवासी फॉर्म भरेंगे वहाँ से, और यहाँ पे प्रमाण पत्र लगेगा, हायर सेकेंडरी स्कूल अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, निवास, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सब लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा नियम शर्तें पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे परीक्षा पद्धति, इस परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपका 150 क्वेश्चन रहेगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। यहाँ पर 1/4 अंक काटे जाएंगे जो कि आपका माइनस मार्किंग रहेगा। और चयन प्रक्रिया यहाँ पे OBC ST जितने भी हैं मेरिट लिस्ट के हिसाब से चयन किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, थैंक यू।